अर्शद वारसी इन दिनों सुर्खियों में चल रहे हैं अपने फिल्म फ्रॉड सैया को लेकर, जो कि आज रिलीज भी हो गई है, लेकिन उम्मीद के मुताबिक इसे फर्स्ट डे ओपनिंग नहीं मिलने वाली है। अर्शद वारसी एक और कारण से इन दिनों सुर्खियों में आ गए हैं, जिस कारण से लोगों ने उनकी जमकर खिंचाई भी कर दी है। जी हाँ दोस्तों, आप भी जानना चाहते होंगे कि अर्शद ने आखिर ऐसा क्या कर दिया या फिर क्या कह दिया। दरअसल फ्रॉड सैया के प्रमोशन के दौरान अर्शद वारसी ने कई सवालों के जवाब दिए, जिनमें से एक सवाल का जवाब उन पर भारी पड़ गया। दरअसल ये सवाल था जॉली LLB सीरीज के बारे में। आप सभी जानते होंगे इसके पहले भाग में अर्शद खुद थे तो दूसरे भाग में बॉलीवुड के बड़े खिलाड़ी अक्षय कुमार थे, और जॉली LLB 2 ने 100 करोड़ के क्लब को हासिल किया था। हालांकि जॉली LLB भी पर्दे पर हिट रही थी, लेकिन कलेक्शन के मामले में 100 करोड़ वो हासिल नहीं कर पाई थी, या फिर यूं कहें जब जॉली LLB रिलीज हुई थी तो 100 करोड़ का दौर नहीं चल रहा था। इंटरव्यू के दौरान अर्शद ने कहा कि अगर जॉली LLB 2 में मैं होता तब भी मैं उतने ही कमाता जितने अक्षय कुमार की फिल्म ने कमाए। आपको बता दें जॉली LLB 2 ने बॉक्स ऑफिस पर लगभग 130 करोड़ की कमाई की थी, जो कि काफ़ी बेहतरीन आंकड़ा था फिल्म के लिए। लेकिन अर्शद का मानना यह है कि जॉली LLB का दूसरा भाग अक्षय ने उनसे छीन लिया और किया वही जो वे खुद भी कर सकते थे। अर्शद ने कहा कि जॉली के दूसरे भाग में मैं होता तो नतीजा कुछ और ही होता और फिल्म शायद और भी बड़ी हिट होती। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है कि अर्शद का ये कहना सही है? क्या वो अक्षय की जगह LLB 2 में ले सकते थे? कमेंट बॉक्स में आप अपनी राय दें और सब्सक्राइब करें देखो देखो और भी अपडेट जानने के लिए।